मोस्ट टाइम पी थियरी एलसी ऑसिलेटर इंडक्टर एंड कैपेसिटर को इकट्ठा करके जो एक पूरी सर्किट बनती है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। मोस्ट टाइम पी थियरी एलसी ऑसिलेटर, ध्यान से समझना। एलसी ऑसिलेटर क्यों है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, वो ध्यान से देखो। चलो मोस्ट टाइम पी थियरी, चलो यहां ध्यान से समझो क्या कहना चाहते हैं एलसी ऑसिलेटर। तो ऑब्टेन द डिफरेंशियल करंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन एलसी, डिफरेंशियल करंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन एलसी ऑसिलेटर सर्किट एंड डिस्कस इट। तो पहले तो यहां पे एक बात समझो, ये एलसी ऑसिलेटर करता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। चलो मैंने यहां पे एक कैपेसिटर लिया, मैंने यहां पे क्या लिया, एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के इस कैपेसिटर पे सपोज की सुना ध्यान से, इस कैपेसिटर पे मैंने चार्ज डिपॉजिट करवाया। चार्ज डिपॉजिट करवाना मतलब शायद आप ऐसा समझ सकते हो कि इस कैपेसिटर पे मैंने चार्ज डिपॉजिट किया, मतलब कि मैं ऐसा समझ सकता हूं कि इसके साथ मैंने बैटरी को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया, बैटरी को। सपोज कि इसके साथ बैटरी को मैंने कनेक्ट किया, सुनो ध्यान से, मैंने इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया। जब मैं ये बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और यही कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट, इसकी दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। ओके फाइन, चार्ज डिपॉजिट हो गया। तो पहले सपोज कि इसके ऊपर चार्ज आया Q0। अब जब मैं ये बैटरी को रिमूव कर देता हूं, बैटरी को मैं क्या कर देता हूं, रिमूव, यहां पे भी Q0 चार्ज आया और यहां पे भी Q0 चार्ज आया। ओके, जब मैं बैटरी को रिमूव कर देता हूं तब ये चार्ज का डिस्चार्ज होगा नहीं, यहां से चार्ज फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बीच में क्या है, एयर है। क्या है बीच में, एयर, और एयर इज अ प्योरली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहां से चार्ज को फ्लो करने का कोई भी चांस ही नहीं है, मतलब कि चार्ज यहां का यहां ही रहेगा, डिपॉजिटेड ही रहेगा, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं। और इस टाइम पे कैपेसिटर पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी वो कितनी होगी, Q2/2C। बोलो इतना सबको पता चला कि नहीं चला। इस टाइम पे कैपेसिटर पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई है उसको क्या बोलते हैं, Q2/2C। बोलो यहां तक का सबको पता चला कि नहीं। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया कैपेसिटर के साथ, एक इंडक्टर। अब ध्यान से सुनना, जब मैं कैपेसिटर के साथ इंडक्टर को कनेक्ट करता हूं तब सीधी सी बात है चार्ज फ्लो होगा, और रियलिटी में देखने जाओ तो इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ने ऐसा दौड़ना स्टार्ट किया तो इसकी ऑपोजिट डिरेक्शन में कौन बहेगा, करंट, मतलब कि यहां से करंट निकला, मतलब कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ना स्टार्ट किया मतलब कि ये जो प्लेट है उस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कम होते गए, ये प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कम होते गए, और यहां से ऐसे दौड़ेंगे तो ये प्लेट पे बढ़ने लगे। अगर ये प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कम होते गए तो अभी ये प्लेट क्या बन गई, मतलब अभी ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट होती जाएगी धीरे धीरे, और ये सामने वाली प्लेट क्या होती जाएगी, नेगेटिव प्लेट होती जाएगी, और ये इंडक्टर में से क्या पास होगा, करंट पास होगा। क्या पास होगा, इंडक्टर में से करंट पास होगा। जब ये करंट इंडक्टर में से पास हो रहा है, अच्छा ये करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, सुनो ध्यान से,
सुनो फिर से समझाता हूँ कि ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। पहले यहाँ पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था और इंडक्टर में करंट क्या था, जीरो। कब, सपोज कि चलो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं किया है, तब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था, चार्ज मैक्सिमम था तब उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्या थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्यू जीरो स्क्वायर बाई टू सी। कैपेसिटर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है और इंडक्टर में से करंट जीरो पास है, मतलब कि यहां क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने कनेक्शन दिया नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये कनेक्शन प्रोवाइड करता हूं, पहले यहां पे करंट क्या था, जीरो। पहले यहां पे करंट जीरो था, क्यों, क्योंकि यहां पे कनेक्शन नहीं दिया है। जैसे ही मैंने ये कनेक्शन प्रोवाइड किया, तब यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ते 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 यहां तक आए। हाँ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट होती जाएगी और ये कौन सी प्लेट होती जाएगी, नेगेटिव प्लेट होती जाएगी। अरे भाई होगी कि नहीं होगी, हाँ धीरे। तो पहले क्यू जीरो चार्ज था, अब चार्ज कितना हो गया, क्यू, चार्ज डिक्रीज हुआ, चार्ज डिक्रीज हुआ, चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और यहां पे करंट क्या हुआ, चार्ज डिक्रीज हुआ। सपोज कि अभी भी यहां पे पहले अभी थोड़ा सा चार्ज है, चलो थोड़ा सा चार्ज है, तो चार्ज डिक्रीज हुआ और करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, चार्ज डिक्रीज हुआ और करंट क्या हुआ, इंक्रीज। अब मुझे ये बात बताओ, जब ये करंट इंक्रीज होता जाएगा तब ये इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को, करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। कौन, इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है। कौन, इंडक्टर करंट के चेंज को। अब क्या हुआ, इंडक्टर जो है वो करंट में, करंट में चेंज क्या आया, करंट में चेंज क्या आया, क्योंकि भाई करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। अब समझ, सपोज कि कैपेसिटर होता और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, ये क्यू जीरो होता। अगर मैं इसके दो एंड के बीच में कॉपर का वायर लगा देता तो क्या होता, नॉर्मल कंडक्टर लगा देता तो क्या होता, मालूम है आप लोगों को, हाँ, स्वाट करके चार्ज नीचे आ जाता, समझ में आ रहा है, जूम करके पास होता चार्ज, हाँ समझ में आ रहा है, जूम करके मतलब ऐसे ही टाइम ही नहीं लगता, खबाच करके ऐसे चार्ज फ्लो हो जाता और यहां से करंट बह जाता, बात खत्म हो जाती। बोले इतना पता चला कि नहीं चला, क्या रखा होता, तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर रखा होता तो ये होता। लेकिन यहां पे मैंने क्या रखा, यहां पे मैंने इंडक्टर रखा, क्या रखा मैंने, इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। करंट का चेंज मतलब क्या, यहां पे करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहां पे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको घटाएगा, मतलब कि इंडक्टर, इंडक्टर इस करंट को अपोज करने के लिए उसकी ऑपोजिट डिरेक्शन में करंट जनरेट हो, ऐसे बैक ईएमएफ जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, इंडक्टर के अंदर क्या जनरेट होगा, बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ ऐसे ऑपोजिट डिरेक्शन में जनरेट होगा कि जिससे वो इस इंक्रीमेंट को क्या कर सके, अपोज कर सके। बोलो यहां तक पता चला कि नहीं चला, बराबर है। तो इंडक्टर के अंदर करंट पास हुआ तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, वन हाफ एल आई स्क्वायर। बोलो इंडक्टर के अंदर करंट पास करते हो तो ये एनर्जी जनरेट होती है, ये कैपेसिटर के अंदर कौन सी एनर्जी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इंडक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी बनी, बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं चला, हाँ। तो ये इलेक्ट्रिकल, तो जैसे ही सी, तो यहां से यहां पे करंट एकदम फास्ट पास नहीं हो जाता है, करंट में क्या होगा, क्या होगा, करंट में डिक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये इसकी दो पॉइंट के बीच में, इसके
दो पॉइंट के बीच में क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो करंट बहेगा ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ VL, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VC, VC इज इक्वल क्या होगा Q by C, और VL इज इक्वल क्या होगा LdIdt। बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं चला। क्या यहां पे टोटल चार्ज जीरो हो चुका है, नहीं, और यहां पे सब पूरा करंट पास हो चुका है, नहीं। इसके बाद क्या होगा कि यहां पे चार्ज टोटली क्या हो जाएगा जीरो, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, और यहां पे टोटल चार्ज पास होगा, फुल चार्ज पास होगा, तो यहां पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। बोलो पता चला कि नहीं चला, तुम लोगों को पता चल रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो? हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचेंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब कि अभी पहले जब क्या था, पहले क्या था वीसी पॉजिटिव टू नेगेटिव लग रहा था, अब वीसी कहां से कहां है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोलैरिटी क्या हो गई चेंज, पोलैरिटी चेंज हो गई तो करंट की फ्लो की डिरेक्शन भी क्या हो गई चेंज। करंट के फ्लो की डिरेक्शन होगी कि नहीं होगी, पहले करंट ऐसे बह रहा था, अब करंट ऐसे बहेगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ये करंट का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ये करंट का फ्लो हो जाएगा। हाँ, तो फिर करंट जब इसमें से फुल पास हो गया, यहाँ पे करंट जीरो था, यहाँ पे चार्ज जीरो था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वापिस यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ऐसा चार्ज जो है, कौन है, कौन है यहाँ पे चार्ज, चार्ज जो है वो कैपेसिटर एंड इंडक्टर, फिर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर, ऐसे क्या करता है ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है, इसीलिए ये सर्किट को हम क्या बोलते हैं एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो? सुनो, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो उसको नॉर्मल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो तो तुरंत ही क्या हो जाएगा डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन सब पास हो जाएंगे। उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करो तो धीरे 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 क्या होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और उसी का ही बेनिफिट लेके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। और आपको मैंने आगे भी बताया था कि एलसी ऑसिलेटरी सर्किट का इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एलसी। तो अगर एल पता है, अगर सी पता है, तो क्या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकते हैं? और वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, बोलो पता चला कि नहीं चला? हाँ, और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड वेक्टर होते हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिरेक्शन। बोलो यहां तक पता चला? हाँ, इसकी थोड़ी सी और बातें करते हैं। आपको 2 मार्क में से पूछा जाएगा डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन इन चार्ज, डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन इन चार्ज फॉर एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। फॉर एलसी ऑसिलेटरी सर्किट के लिए चार्ज में एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कीजिए, चार्ज में डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कीजिए। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। पहले तो आपको लिखना है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता है, कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं Q2/2C। वैसा ही अगर मैं लिखूं तो इंडक्टर के बारे में लिखूं,
इंडक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू द करंट, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ, और उसका इक्वेशन है यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू बी इज इक्वल क्या है? हाफ एल आई का स्क्वायर। आगे हमको कैसे पढ़ना है ध्यान से देखो। कंसीडर अ सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। एक सर्किट मैंने कंसीडर की जिसके अंदर एक कैपेसिटर है और दूसरा क्या है? इंडक्टर है। अब कैपेसिटर को इनिशियली मैंने जो चार्ज किया है मैक्सिमम चार्ज दिया है, मैक्सिमम चार्ज जो मैंने उसको दिया है, तो उस चार्ज को मैंने क्या बोलता हूं? क्यू एम बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं उस चार्ज को? क्यू एम बोलता हूं। ध्यान से समझना, यहां पे सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ध्यान से समझना, चार्ज ऑन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, मतलब कि जब पी इज इक्वल टू जीरो टाइम है तब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है। ओके ओके। अब मैं एक काम करता हूं, जैसे ही मैंने इंडक्टर को कनेक्ट किया एट पर्टिकुलर मोमेंट, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बोलो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, वेर क्यू इज चार्ज एट टी इज इक्वल टू टी टाइम। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे तो चार्ज क्या था? क्यू एम। लेकिन टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या है? चार्ज क्यू। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी एल इज इक्वल टू एल डीआई बाई डीटी, वीएल इज इक्वल टू एल डीआई बाई डीटी। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं? किरचॉफ लॉ। सपोज कि मैं यहां पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं? बोलो किरचॉफ लॉ, या तो ए बी सी डी ले लू, ए से बी गया पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? अप्लाइंग किरचॉफ लॉ
ऑन ए बी सी डी ए, तो बोलो ए से बी गया पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बढ़ा मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव इसी। ओके, अब ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आया, करंट यहां पे एंटर हुआ, करंट एंटर हुआ उसके चेंज को अपोज करने के लिए यहां पे जो बैक ईएमएफ क्रिएट होगा वो ऐसे क्रिएट होगा, तो यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव मिला, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस वीएल इज इक्वल टू जीरो है। बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं चला? यहां तक सबको पता चला? ए से बी गए बैटरी का माइनस तो मैंने प्लस लिखा, बी से सी, सी से डी गए तो बैटरी का प्लस तो मैंने क्या लिखा? माइनस। अच्छा अब वी सी कितना है? क्यू बाई सी, और वी एल कितना है? एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये तो सबको पता ही है, वी सी इज इक्वल क्यू बाई सी है, और वी एल कितना है? एल डी आई बाई डी टी, ये तो सबको पता ही है। अब मुझे एक बात समझाओ ध्यान से, बट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं मैं? बोलो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं मैं? हां लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिक्रीज हो रहा है और यहां पे करंट है, तो I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी अगर मैं रखता हूं तो यहां पे Q बाई सी माइनस एल, समझना ध्यान से, माइनस एल और d बाई डी टी, आई की जगह पे क्या होगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या होगा? Q बाई सी प्लस एल डी स्क्वेर क्यू बाई डी टी स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वेर क्यू बाई डी टी स्क्वेर, अरे एल डी स्क्वेर क्यू बाई डी टी स्क्वेर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल जीरो, दोनों साइड में इसको एल से डिवाइड करू, किससे डिवाइड करू? एल से डिवाइड करू, तो यहां पे भी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एल से, एल एल कट, तो यहां पे क्या है? डी स्क्वेर क्यू बाई डी टी स्क्वेर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल जीरो, दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर, एलसी ऑसिलेटरी सर्किट इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू, बोलो समझ में आया? दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन चार्ज क्यू, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू फॉर एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। दो मार्क में पूछा जाए तो पहले इतना लिखने का, क्या करोगे? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है, उसका इक्वेशन है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी करंट की वजह से, उसका इक्वेशन है हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जब मैंने इंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया था तब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे कैपेसिटर ऊपर चार्ज कितना था? क्यू एम था, बराबर है। लेकिन जब मैंने पर्टिकुलर इंडक्टर को ज्वाइन किया एट दैट टाइम कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, इंडक्टर के अंदर करंट इंक्रीज होता जाएगा। सपोज की टी इज इक्वल टू टी टाइम पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और इंडक्टर जो है उसके दो पॉइंट याद रखना, करंट इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए ऐसे आएगा, ओके, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस, ये माइनस, अपोज करेगा वीएल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वीसी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वीएल, ये वीसी है, ये वीएल है, ये ए से बी गया माइनस मिला इसलिए पॉजिटिव, सी से डी गया प्लस मिला इसलिए नेगेटिव।
अब वीसी माइनस वीएल इज इक्वल टू जीरो, वीसी क्यू बाई सी और वीएल कितना है एल डी आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है इसलिए आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये क्यू बाई सी माइनस एल इंटू डी बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर एल से डिवाइड किया, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन अपन एल सी इंटू क्यू, या तो क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू फॉर एल सी ऑसिलेटरी सर्किट। बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं? इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है? इस इक्वेशन को देख के आप यही इक्वेशन को याद करो तो, अगर याद करो तो एस एच एम के कोई इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। याद करो एस एच एम का इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था, एस एच एम का इक्वेशन ये। तो यहाँ पे जो एक्स है वो यहाँ पे कौन है, क्यू है, यहाँ पे जो टी है ना डी टी स्क्वायर है ना, और एक्स क्या है क्यू है, तो बोलो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, बोलो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, हाँ तो ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन अपन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। एस एच एम के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपन एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपन अंडर रूट एल सी। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने रिलेशन लिखा था हाँ, और ओमेगा को अगर मैं टू पाई एफ बोलता हूँ तो वन अपन अंडर रूट एल सी, तो बोलो एफ इज इक्वल टू वन अपन टू पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर? क्या ये इक्वेशन को मैंने न्यूमेरिकल में यूज करवाया? तो देखो यहाँ पे, तो ये मेरे पास मतलब कि यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस, एलसी सर्किट के अंदर जो ऑसिलेशंस होगा किसका, चार्ज का, उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होगी, वन अपन टू पाई अंडर रूट एलसी। अब ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एस एच एम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता था सॉल्यूशन, वैसे यहां पे भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करते हैं, ध्यान से देखो, देखो यहां, तो एज्यूमिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एज्यूमिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझना, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू, जैसे यहां पे नहीं था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वैसे यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूं, सपोज कि क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सपोज कि ये इसका सॉल्यूशन है, वे क्यू एम एंड फाइव दोनों अपने को पता नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, ये टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे बोलो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम था, याद करो टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे क्यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू एम था, तो इसके अंदर क्यू की जगह पे क्यू एम रखो, ये क्यू एम कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो और ये फाइव, तो क्यू एम कर तो वन इज इक्वल टू कॉस फाइव होगा, कॉस फाइव वन कहां पे होता है, कॉस फाइव वन कहां पे होगा, जीरो पे, तो बोलो मुझे फाइव मिल गया कि नहीं मिल गया, मैंने बाउंड्री कंडीशन रखी क्या टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, टी इज इक्वल टू
जीरो टाइम पे क्यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू एम, क्या था, क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, तो वो मैंने बाउंड्री कंडीशन रखी कौन से इक्वेशन में, ये सॉल्यूशन के अंदर, तो क्यू की जगह पे क्यू एम रखा, ये क्यू एम कॉस टी की जगह पे जीरो, तो कॉस फाइव इज इक्वल वन, तो फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन, मतलब फाइव जीरो आया, ये फाइव की वैल्यू, सो सब्स्टिट्यूट फाइव इज इक्वल टू जीरो इन दी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बोलो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम का क्यू एम कॉस ओमेगा टी, फाइव की जगह पे जीरो आया, तो बोलो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी आया, आ गया क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे चार्ज पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ चार्ज एट टाइम टी ऑन कैपेसिटर, नाउ करंट इन इंडक्टर क्या होगा, करंट इन इंडक्टर क्या होगा बोलो, तो आई इज इक्वल टू क्या है डी क्यू बाई डी टी, क्या है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, बोलो आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू क्या है, क्यू क्या है क्यू एम कॉस ओमेगा डी, क्या है क्यू, क्यू एम कॉस ओमेगा डी, बोलो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी से, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्यू एम और कॉस का साइन, मतलब ओमेगा बाहर और ये साइन ओमेगा टी, तो बोलो मुझे करंट का इक्वेशन मिल गया, किसका इक्वेशन मिला मुझे, करंट का इक्वेशन मिल गया, बोलो पता चला, तो इस करंट और इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती रहेगी और ऑसिलेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर होता रहेगा। बोलो यहां तक सबको पता चला कि नहीं, इसके आगे के ग्राफिकल पोर्शन जो है वो इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, समझ में आ रहा है, ओके okay?